बसमिल्ल है असल मेरी यूट्यूब की फ़ैमिली कैसे हैं आप सबल पाक से दुआ है कि आप सब ठीक हों खुश हों किचन कितना भी नीट कर लो ना लेकिन किचन में हर हफ़्ते बाद कोई ना कोई क्लीनिंग रह ही जाती है जो आपने साफ़ करनी होती है यहाँ पे आज ये कैबन बहुत ज़्यादा गंदा हुआ हुआ था मेरा बहुत मैसी मैंने क्लिप लिया था लेकिन वो क्लिप पता नहीं मुझसे मिस हो गया मैंने वो दिखाना था इतना गंदा हुआ हुआ था ना काफ़ी टाइम से मैंने इसको साफ़ करना था बट मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था तो पानी वाली बोतलें जो हैं अब इस्तेमाल होना ख़त्म हो गई हैं क्योंकि आप लोगों को पता है इस्लामाबाद में अच्छा खासा मौसम चेंज हो गया और मैं तो बिल्कुल ठंडा पानी अब इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बच्चे ही हैं तो मैं बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देती हूँ अल्लाह ना करे कोई बीमार हो जाए मैं क्या करूँगी मैं कहाँ ले कर जाऊँगी कैसे ले कर जाऊँगी बहुत जहन में चल रहा होता है सब कुछ और किचन की क्लीनिंग चल रही थी और किचन की क्लीनिंग के साथ ही यहाँ जो है ना यहाँ पे बच्चे अपने ही उसमें लगे हुए थे शरारतें करने में ना सारे टॉयज निकाले हुए थे और बाँध बांध के ना खेल रहे थे तो इन्होंने इतना शोर मचाया हुआ था ना मैंने कहा मैं आके देखूं कि इन्होंने क्या बाहर किया हुआ है जो इतना हल्ला गुल्ला मचाया हुआ है या फिर इन्होंने सारे टॉयज बाहर निकाले हुए थे और ले ले के बांध बांध के ना एक दूसरे के साथ ये लोग खेल रहे थे बच्चों के और काम ही क्या है मैं हर वक़्त यही लगी हुई होती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा तो घर को साफ रखा करें मैं जब भी सफ़ाई करके हटती हूँ आप एक मिनट में गंदा कर देते हो कोई आ जाए तो कोई क्या कहेगा खैर मैंने सबसे पहले कैबन साफ़ किया उसकी जितनी बोतलें वगैरह थी ना सारा कुछ मैंने नीट किया करने के बाद ना ये अलमारी बहुत गंदी हुई हुई थी तो इसको भी साफ़ करना था मैंने कहा ये बहुत गंदी हुई हुई है इसको मैं सारा उठाया उठा के ना सारी चीज़ें और यहाँ पे ना मैंने छोटी सी शीट डाली हुई है भाई चलो आ, नीचे जो है ना वो गंदा गिरे तो फिर इसको उठा के धो के साफ़ करके फिर मैंने ये इसकी ना चूल्हे की जाली जो है ना उसको अच्छी तरह साफ़ किया क्योंकि ये फिर ना धुएँ की वजह से बंद हो जाती है मेरा वो स्टोव तो है नहीं स्टोक होता है या स्टोक होता है आई थिंक मुझे अपना नाम नहीं सही आता तो वो है नहीं तो वो फिर वो सारा वो जो चिकनाई है ना वो जालियों पे जम जाती है तो मैं जो है ना यहाँ पे लगी हुई थी मैंने कहा भी आज जो है ना बस मुझे जब इनके बाबा ना होना फिर मुझे सारे काम करने होते हैं क्योंकि वो हो तो मेरा जो फालतू टाइम होता है मैं उनके साथ बैठ के गुजार देती हूँ तो अब जो है वो नहीं है तो अब मैं सारे काम जो है ना घर के वो वो करने में लगी होती हूँ जब भी फ्री होती हूँ मैं कहती हूँ मैं घर का ये वाला काम कर लूँ घर का ये वाला काम कर लूँ तो ये पाइप गंदे हुए हुए थे तो अब तो फिर थोड़ा कम हो गया वरना तो मैं अपने घर के जो है ना मतलब वो जो हमारे ना बिजली जो है ना वो पाइपों के ज़रिए गई हुई है तो उनको भी चमकाती होती थी खैर जी ये ज़िंदगी के जवानी की बातें अब हम बुढ़ापे में आ गए हैं तो यहाँ पर फिर मैंने ना वो सारा साफ़ किया और यहाँ पे प्याज डालने थे तो मैंने कहा पहले जो इनके अंदर छिलके वग़ैरह आ गए हैं ना वो साफ़ कर दूँ क्योंकि फिर ना पता ही नहीं चलता तो कोई एक आधा प्याज ख़राब भी हो जाए ना तो आप उसे भी निकाल देते हो तो फिर वो दूसरे प्याजों को ख़राब नहीं करता तो ये फिर ज़रूरी होता है जब भी प्याज डालती हूँ ना फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैंने चेक कर लूँ कि अगर कोई एक आधा प्याज ख़राब है ना तो मैं वो निकाल दूँ तो मेरे साथ मेरा बेटा जो है ना ये प्रॉपर काम करवाता है कि अम्मा आप अकेली बिल्कुल भी नहीं है मैं आपके साथ हूँ मैं किचन में जब भी काम कर रही होती हूँ ना वीडियो बना रही होती हूँ आप यकीन करें कि ये मेरे साथ चिपका हुआ होता है नीचे लटका हुआ होता है हर काम में और उसके बाद जो है ना मैंने अच्छी तरह सारी क्लिनिंग की करने के बाद टोकरी सेट कर दी कि साथ साथ अगर क्लिनिंग हो जाए ना फिर बंदा ठीक रहता है वरना जो है ना गंद बढ़ ही जाता है तो यहाँ पे फिर मैंने ना ये सेला चावल निकाले ये काफ़ी टाइम से पड़े हुए थे तो इनको निकाल के नीट करके और सारी चीज़ें अपनी नीट करके चमका चमकू के अपने किचन को साफ कर लिया था तो मेरी सारी बहनें ऐसे करती हैं जब भी फ्री होती हैं जब भी फिर कोई टाइम मिलता है तो बस इसी तरह ही होता है यहाँ पे मेरा कैमरा मुझे लग रहा था गंदा हो गया मैं क्या कपड़ा मारिए साफ़ करिए वीडियो सोनी जी मैं अपना किचन विखाव कि मेरा किचन कोई गंदा कोई नहीं है इतने भी मेरी कार्टून वेखते पे होना मैंने तंग कर दी पी ना तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं फिर बच्चों के साथ काम तो करना ही है ना हम कितना भी कह लेना तो बच्चों को भी इग्नोर नहीं कर सकते और घर के कामों को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हो यहाँ पे फिर मेरा किचन अच्छी तरह ऑर्गेनाइज हो गया था सारी चीज़ें मैंने सेट कर दी थी और वो जो बड़े वाला स्टैंड था ना जिसमें चीज़ें रखी वो मैंने नीचे रख दिया मोहम्मद निकाल के ले जाता है और कुछ नहीं है अच्छा जी मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी हमारी किचन की रूटीन <laughs> अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अगर कोई नए होंगे तो ज्वाइन कर लीजिएगा हमारी फैमिली का हिस्सा बनने के लिए थैंक यू सो मच्ला हाफिज़